पिछले दिनों हुई भर्तियों में नकल और भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा युवा हल्ला बोल के संयुक्त नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। जेईएन और एसआई भर्ती का पेपर परीक्षा समय से पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल होने तो वहीं 26 सितंबर को आयोजित हुई रीट परीक्षा में भी प्रदेश के कई सेंटर में शिकायतें प्राप्त हुई, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते छात्रों में भारी आक्रोश है। छात्र नेता होशियार मीणा ने बताया कि सारी घटनाएं सामने होने के बाद भी शिक्षा विभाग और सरकार के द्वारा आंखें बंद करके बैठे हैं, जबकि प्रदेश के लाखों छात्र अपनी वाजिब मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। अगर तीनों ही भर्तियों को लेकर जल्द ही विभाग के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले समय में आंदोलन और अधिक उग्र किया जाएगा। आरएस के साक्षात्कार में डोटासरा जी ने इन छात्रों के साथ में जो धोखा किया है उस धोखे को छात्र बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही जब पेपर आउट हो गया तो डोटासरा जी कह रहे नहीं, सील लीक नहीं हुई, सील नहीं तोड़ी हुई थी या पेपर नहीं आउट हुआ, जबकि 8 बजे पुलिस प्रशासन के हाथ में पेपर आ गया, व्हाट्सएप पर पेपर आ गया, पुलिस के कई अधिकारी सस्पेंड भी किए गए हैं। हमारी मांग है कि इन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और एक सख्त नियम बने, पेपर आउट होने पर सख्त नियम बनाकर सरकार उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। ये युवा चुप बैठने वाला नहीं है। हम लोग आज सांकेतिक सभायात्रा निकालेंगे इस विश्वविद्यालय में और ये मैसेज देंगे कि राजस्थान विश्वविद्यालय के साथ में तमाम युवा छात्र हम सरकार के विरोध में इन पेपर आउट की घटनाओं की निंदा करते हैं और आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा और योजना तय की जाएगी। होशियार मीणा।